अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर चैनल मिस्किन लर्निंग। इस वीडियो में हम करेंगे अनबीटेबल सुपर मॉम मैरी कॉम का वार्मिंग अप चिट चैट। लेट्स गेट स्टार्टेड। चिट चैट शुरू करते हैं। डिस्कस इन योर क्लास इंडियन वेमेन हु हैव मेड इट टू इंटरनेशनल लेवल्स इन स्पोर्ट्स एंड गेम्स। इंडिया की वो कौन सी खवातीन हैं जिन्होंने इंटरनेशनल लेवल पर दुनिया में अपना नाम कमाया है। Discuss the following points about each of them. Name of the sports person, खिलाड़ी का नाम, sport or game, खेल का नाम, level reached, उन्होंने उसमें कौन सा मकाम हासिल किया, outstanding achievements, उनके शानदार कारनामों की list, awards, prizes और titles, इनाम और अनवानात। इस टेबल में हमने तीन बहुत ही मशहूर फेमस इंडियन फीमेल स्टार्स के नाम दिए हैं जो इंटरनेशनल लेवल पर बहुत नाम कमा चुकी हैं। सबसे पहले है सानिया मिर्जा। टेनिस की दुनिया में इनका बहुत नाम है। इंडिया की वो पहली खातून हैं जिन्होंने टेनिस में 6 बड़े टूर्नामेंट्स जीते हैं। नेक्स्ट पीवी सिंधु। आजकल बैडमिंटन की खेल की उन्हें रानी कहा जा सकता है। वो पहली इंडियन खातून है जिन्होंने बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप का खिताब जीता है और ओलंपिक्स में 2 मेडल भी हासिल किए हैं। तीसरा नाम है मिथाली राज। मिथाली न सिर्फ इंडिया में बल्कि इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाली खातून हैं और उन्हें अपनी टीम को 2 बार वर्ल्ड कप में ले जाने का मौका मिला था। फिल इन द टेबल। इस टेबल में हमें खेल के बारे में जानकारी देनी है। एक खेल जिसका नाम है बॉक्सिंग, उसके बारे में हमें जानकारी दी गई है। अब हम बाकी के खेलों के नाम लिखते हैं। हमने इस टेबल में क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, टेनिस और बैडमिंटन, इनके बारे में इंफॉर्मेशन दी है। कंप्लीट द इंटरव्यू विद एन इमेजिनरी कैप्टन ऑफ लेडीज क्रिकेट टीम ऑफ योर टाउन, सिटी और स्टेट। यहाँ पर हमें एक ख्याली इंटरव्यू बनाना है जिसकी शुरुआत यहाँ पर दी गई है। हमें इसे पूरा करना है, तो चलिए शुरू करते हैं। इंटरव्यूअर का नाम है जय प्रसाद और इंटरव्यू देने वाली स्पोर्ट्स पर्सन का नाम है कैप्टन विजेता भिड़े। सबसे पहले जो हमारे इंटरव्यूअर हैं वो हमें ये बता रहे हैं कि वो किसका इंटरव्यू लेने वाले हैं और क्यों लेने वाले हैं, और जिनका इंटरव्यू ले रहे हैं उनका इस्तकबाल कर रहे हैं। जेपी, गुड मॉर्निंग। वी आर सिंपली प्रिविलेज्ड एंड डिलाइटेड टू हैव द प्रेजेंस ऑफ द कैप्टन ऑफ आवर स्टेट वुमेन्स क्रिकेट टीम व्हिच वन द फाइनल ऑफ द इंटर स्टेट सीरीज इन मुंबई लास्ट वीक। हेलो विजेता, वेलकम टू आवर शो। अब जो हमारी कैप्टन है वो जवाब में शुक्रिया अदा कर रही हैं। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। अब हमें 4-5 और सवाल जवाब ऐड करने हैं और इंटरव्यू को एक मैसेज देकर खत्म करना है। इंटरव्यूअर, दिस इज द फर्स्ट टाइम योर टीम हैज वन द इंटर स्टेट सीरीज इन इंडिया। व्हाट डज दिस विक्ट्री मीन टू यू एंड योर टीम? इट मीन्स अ लॉट टू अस। वी वर्कड एक्सट्रीमली हार्ड विद डेडिकेशन एंड फोकस टू विन द सीरीज दिस ईयर। The entire team put in a lot of effort and we are so glad that all our hard work has resulted in us becoming champions. Interviewer पूछ रहे हैं कि पहली बार आपने इस जीत को हासिल किया है, तो आपकी और आपकी टीम की नज़र में इस जीत की क्या कीमत है? और कैप्टन जवाब दे रही हैं कि उनके लिए ये जीत काफ़ी मायने रखती है और वो खुश हैं कि उनकी और उनकी टीम की मेहनत जो है वो रंग लाई और उन्होंने इस कंपटीशन को जीत लिया। जेपी, कैन यू डिस्क्राइब योर प्रिपरेशन रूटीन फॉर द सीरीज? कैप्टन, वी बेसिकली फॉलोड आवर रेगुलर रूटीन एज वी डू फॉर ऑल अदर कॉम्पिटिशंस। हाउएवर, वी डिड हैव फ्यू इनपुट्स फ्रॉम इंटरनेशनल कोचेस फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया हु इंट्रोड्यूस्ड अस टू फ्यू टेक्निक्स ऑफ स्पिन बोलिंग। तो इंटरव्यूअर पूछ रहे हैं कि आपने इस सीरीज के लिए किस तरीके की तैयारी करी। कैप्टन जवाब दे रही हैं कि जैसे हम बाकी गेम्स के लिए तैयारी करते हैं उसी तरह हमने तैयारी की, लेकिन इस सीरीज के लिए हमने स्पिन बॉलिंग के लिए
कुछ खास कोचिंग हासिल की थी। इंटरव्यूअर, यू आर वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल कैप्टन्स ऑफ ऑल टाइम्स, व्हाट इज योर मंत्रा टू मोटिवेट योर टीम? कैप्टन, थैंकफुली आई हैव मोस्ट वंडरफुल टीम ऑफ प्रोफेशनल क्रिकेट प्लेयर्स। माई टीम सपोर्टेड मी कंप्लीटली इन एवरी स्ट्रैटेजी आई प्लान्ड एंड गेव अ लॉट ऑफ इनपुट्स टू इम्प्रूव आवर गेम। माई मोटिवेशन मंत्रा इज टू सिंपली टेल माई गर्ल्स टू डू वॉट दे डू बेस्ट एंड लीव द रेस्ट टू डेस्टिनी। तो इंटरव्यूअर पूछ रहे हैं कि आप सबसे सक्सेसफुल कैप्टन रही हैं, आपका मंत्रा क्या है आपकी टीम को हौसला देने के लिए? तो वो क्या कह रही हैं? वो कह रही हैं कि जो मेरी टीम है वो बहुत ही प्रोफेशनल टीम है और मैं जो भी स्ट्रैटेजी बनाती हूँ, जो भी प्लानिंग करती हूँ, उसमें मेरी टीम मेरा पूरा साथ देती है और हम एक साथ मिलकर हमारे खेल को इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं। और मैं बस उन्हें ये कहती हूँ कि आप सब अपना बेस्ट करिए और बाकी सब हम किस्मत पर छोड़ देंगे। एपी, डिड यू हैव टू फेस मैनी चैलेंजेस ड्यूरिंग दिस सीरीज? हाउ डिड यू ओवरकम दैम? देर वर क्वाइट अ फ्यू चैलेंजेस। हाउ एवर, एज आई सेड अर्लियर, आई हैव एन अमेजिंग टीम विद अ नेवर गिव अप एटीट्यूड। वी केप्ट अ फोकस एंड ओवरकेम एवरी हर्डल आर वे। इंटरव्यूअर ने पूछा कि इस सीरीज में आपने कई परेशानियों को झेला होगा, उन्हें उन पर आपने कैसे काबू पाया? तो उन्होंने कहा, हाँ मैंने परेशानियां तो झेली हैं, लेकिन जैसे कि मैंने आपको कहा कि हमारी जो टीम है वो बहुत बहुत ही हैरतअंगेज टीम है जो कभी भी हार नहीं मानती है। तो हमने बस हमारा ध्यान रखा कि चाहे जो हो जाए हमें हमारी जीत पर फोकस रखना है। जेपी, सो व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप ऑन योर टू डू लिस्ट दैट यू हैव वन द बिगेस्ट कॉम्पिटिशन ऑफ द ईयर? वी बिलीव दिस विक्ट्री इज जस्ट द बिगिनिंग ऑफ द मेनी विक्ट्रीज दैट वी होप टू सी, विच मीन्स मोर प्रैक्टिस, मोर स्ट्रैटेजीज एंड द जर्नी गोज ऑन। We might see new talent in our team as well, and perhaps some members from existing team might move to the national cricket team. JP, thank you so much, Vijeta, for talking to us. It was a real pleasure talking to you, and I wish you all the best for your future. Interviewer ने पूछा कि अब जब आपने इतनी बड़ी जीत हासिल कर ली है, अब आपका अगला प्लान क्या है? तो उन्होंने कहा, कैप्टन ने जवाब दिया कि हम मानते हैं कि ये जो हमारी जीत है ये आने वाली कई जीतों का आगाज है, और इसका मतलब है कि हमें और प्रैक्टिस करनी है और प्लानिंग करनी है और हमारा सफर जो है वो इसी तरह चलता रहेगा, और शायद हम हमारी टीम में कुछ और नए टैलेंट्स को लेकर आएंगे और जो एग्जिस्टिंग टीम है, जो अभी जो हमारी टीम है, शायद इसमें से कुछ मेंबर्स जो हैं इंटरनेशनल नेशनल क्रिकेट टीम के लिए खेलने के लिए जा सकते हैं। और इंटरव्यू खत्म होता है। इंटरव्यूअर जो है हमारे कैप्टन को शुक्रिया अदा करते हैं और उन्हें मुस्तकबिल के लिए जो है गुड विशेस देते हैं। बच्चों, एपिटोमी ऑफ करेज इस लेसन के इंग्लिश वर्कशॉप में मैंने ईरा सिंघल, जो इंडिया की पहली हैंडीकैप फीमेल आईएएस टॉपर हैं, इनकी जिंदगी पर इंटरव्यू बनाया है। इस इंटरव्यू से हमें बहुत सीख मिलती है, हिम्मत मिलती है। मैं चाहूंगी आप जरूर इस इंटरव्यू को पढ़ें और इससे आप जरूर मुतासर होंगे। मार्जिन वर्ड्स, जो मार्जिन में हमारे दिए गए कुछ मुश्किल वर्ड्स हैं, उनके मीनिंग इंग्लिश के अलावा उर्दू में भी दिए हैं। अब शुरू करते हैं मार्जिन क्वेश्चंस। हर मार्जिन क्वेश्चन के लिए मैं कोशिश करती हूँ कि किताब से जवाब का जो हिस्सा है वो निकाल कर यहाँ दूँ और पेज नंबर भी दूँ, ताकि आप खुद इस सवाल का जवाब लिख सकें। चलिए अब हम पहले सवाल से शुरू करते हैं। What was Mary Combs exceptional achievement? Answer: Mary Combs exceptional achievement was that she was a 5-time world boxing champion and the only boxer to win a medal in every one of the 6 world championships. In the 2012 Olympics, she became the first Indian woman boxer to qualify and win a bronze medal in the 51 kg flyweight category of boxing. Next question: How did Combs' parents make a living?
मेक अ लिविंग का मतलब होता है पैसे कमाने का जरिया। मेरी कॉम्स पेरेंट्स व टेनेंट फार्मर्स हु वर्कड इन झूम फील्ड्स इन रूरल मणिपुर। दैट इज हाउ दे मेड देयर लिविंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, वॉट हैज एडेड टू कॉम्स ग्रेटनेस एज अ बॉक्सिंग चैंपियन। मेरी कॉम्स ग्रेटनेस वॉज री इन्फोर्स्ड बाय द वे शी अपोलोजाइज टू द होल नेशन फॉर नॉट बींग एबल टू विन द गोल्ड। This was after she won the silver medal in the 48 kg weight category at AIBA Women's World Boxing Championships in United States in the year 2001. Next question. What failed to pressurize Mary Kom during the Olympics? The fact that Mary Kom was the only female representative from India in boxing failed to pressurize her during the Olympics. Next question. What can help Indian sportsmen win more Olympic medals? Indian sportsmen can win more Olympic medals if more corporates come in and sponsor players so that the players don't have any financial pressure and can just focus on their games. How did Mary Kom increase her weight? Mary Kom increased her weight by eating the right kind of healthy food rather than bad saturated fats. With proper nutrition, she gained 3 kgs so that she could compete in the 51 kg event instead of the 48 kg event at the Olympics. What did OGQ do for Mary Kom? OGQ really played an important part in Mary Kom's success. They helped her out whenever she needed something. They took care of everything, which helped Mary Kom focus on her boxing and kept her stress-free. What is Mary Kom more proud of? Being a boxer or a mother? Mary Kom is more proud of being a mother as she feels that is the best thing that has ever happened to her. उम्मीद है बच्चों आपको इस वीडियो से कुछ मदद मिली होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज इसे लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। अल्लाह हाफिज।